छोटी सी जानकारी और दे दूं मित्रों, कश्मीरी जो हिंदू हैं उन पर एक बहुत ही शानदार फिल्म आई है, जब आपको समय मिले जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ में जो कत्लेआम हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था, वो उसकी सच्चाई जानना हर हिंदुस्तानी का परम कर्तव्य होना चाहिए। देखो कई प्रकार की फर्जी पिक्चरें आती हम लोग देख लेते हैं, लेकिन हमको इस टाइप की पिक्चरें, रियलिस्टिक जो मूवी है वो हमको देखनी चाहिए, ताकि हमको जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में पता चले कि कश्मीर में क्या हुआ था, है ना। तो थिएटर में जाके देखिएगा, आप इस मूवी को थिएटर में जाके देखिएगा, तभी आप ओरिजिनल स्टोरी समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म ने 276 करोड़ रुपए कमाए, जो कि कश्मीरी हिंदुओं को जो विस्थापित हो गए थे उनको वापस बसाने के अंदर इसका यूज़ किया जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डोनेट कर रहे हैं, जो इनके डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम सभी लोग हिंदू हैं, हर व्यक्ति को ये मूवी देखनी है, और आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने परिवार के साथ जाकर इस मूवी को जरूर देखें, और हर लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। अभी एक फर्जी आदमी की पठान मूवी आ रही है, उसको बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल आप इसको फ्लॉप कर दीजिएगा। इस टाइप की मूवी हमको कतई नहीं देखनी है, क्योंकि देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर दूं मित्रों, आपको सभी को अच्छे से पता है इस समय एक जो फिल्म बहुत चल रही है, कश्मीर फाइल्स। जी हाँ मित्रों, इनके जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री जी, उनको मैं सैल्यूट करूंगा दिल से मित्रों, क्योंकि बात है मित्रों 19 जनवरी 1990 की। 19 जनवरी 1990 को इस जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ मित्रों, पूरे देश को जानना जरूरी है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे ही देश के अंदर लाखों कश्मीरी पंडितों को, लाखों कश्मीरी हिंदुओं को निर्वासित कर दिया गया, और उनको एक तंबू के अंदर गाड़ करके रहना पड़ा। वहां पर कई बिच्छुओं के काटने के कारण उनकी मौत हुई, लेकिन इस देश की सरकारों के कान पर जू नहीं रहेंगी मित्रों। आपको यह पता होना चाहिए, विश्व का यह एकमात्र ऐसा अनूठा केस है जब 1990 में, जी हां आज से 32 साल पहले, जब देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारा गया, काटा गया, कश्मीरी हिंदुओं के बलात्कार हुए, उनको निर्वासित किया गया, देश की किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने उनकी सुध नहीं ली, और ऐसी स्थिति बनी मित्रों कि वहां के जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने माइक में से वहां पर आवाज लहराई, आवाज लगाई कि कश्मीर छोड़ दो, कश्मीर छोड़ दो, जितने भी हिंदू मर्द हैं वो कश्मीर छोड़ दो, और हिंदू महिलाएं बहन बेटियों को कश्मीर में रख करके जाओ, हम उनका रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे। ऐसे इस तरीके के नृशंस बातें मित्रों, नृशंस बातें इस देश में माइक से की गई जम्मू कश्मीर के अंदर। और 19 जनवरी 1990 को आपको मैं बता दूं, कई ऐसे लोग जिनकी बात करूं मैं, बालकृष्ण गंजू, जिसको एक चावल से भरे हुए मैं कहूंगा ड्रम के अंदर डाल करके गोलियों से भून दिया गया, और उसके खून का जो चावल में मिल गया तो उस खून से सने हुए चावल उसकी पत्नी को खिलाए गए। गिरजा टिक्कू की बात करूंगा, जिसका बलात्कार किया गया, और बलात्कार करने के बाद उसको आरी से दो भागों में काट दिया गया मित्रों। ऐसे न जाने कितने लोगों की हत्या हुई, लेकिन कभी भी किसी फिल्म में, कभी भी किसी बॉलीवुड के इन नालायक एक्टरों ने, नालायक डायरेक्टरों ने, नालायक प्रोड्यूसरों ने कभी भी इस घटना को दिखाने का साहस नहीं किया। मैं सैल्यूट करता हूं विवेक अग्निहोत्री को, जिसने ये बेहतरीन फिल्म बनाई। और आपको बता दूं, अभी फिलहाल में 276 करोड़ से भी ज़्यादा का ये जो है पूरे देश के अंदर अभी ये कलेक्शन कर चुकी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्म से जो अभी पैसा आने वाला है वो डोनेट किया जाएगा कश्मीरी इन निर्वासितों को पुनः बसाने में। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जितना जिनोसाइड हुआ, धर्म के आधार पर काटने का काम हुआ, हिंदुओं को हिंदुओं के ही देश में निर्वासित करने का कार्य हुआ, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सेकुलरवाद क्या चीज़ होती है। जब भी हिंदू कभी इस तरह की घटना कर दे तो सेकुलरवाद आ जाता है, लेकिन जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये सेकुलरवाद कौन से छेद में घुस जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। और मैं मोदी सरकार को भी सैल्यूट करूँगा, इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। साथ में ये जो सारा घटनाक्रम, जो बिट्टा कराटे नाम का एक नालायक व्यक्ति वहाँ मौजूद था, वो कमांडर के तौर पर उसने कार्य किया, और बड़े शर्म की बात है कि वो बिट्टा कराटे आज भी, ठीक आप गिन लो, आज से गिन लो 1990 से लेके 2022, जी हाँ 32 साल गुजर गए, उस नालायक ने 20 से 25 लोगों की हत्या की और उसको कोई सजा नहीं हुई। आराम से अभी भी वहाँ पर वो JKLF जम्मू कश्मीर लिबरल फेडरेशन का फ्रंट का जो है वो कमांडर बनकर घूम रहा है, चेयरमैन बनकर घूम रहा है, उसको सब जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, ये सारा जो कार्य हुआ ये
पाकिस्तान के इशारे पर ये सारा कार्य हुआ। उस पाकिस्तान ने भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए कार्य किया। तो पाकिस्तान वालों को हमारी ओर से, हमारे पूरे हिंदुस्तान की ओर से कुछ चंद लाइनें मैं उन नालायकों के लिए पेश कर रहा हूँ, उन हरामजादों को पेश कर रहा हूँ जिनको अक्कल आ जाए। याद रखना मित्रों, डरते नहीं हैं हम अणुबम्बों से, विस्फोटों से, डरते तो हैं हम ताज समला जैसे समझौतों से। लाइन पर गौर कीजिएगा मित्रों, डरते नहीं हैं हम अणुबम्बों से, विस्फोटों से, डरते तो हैं हम ताज शिमला जैसे समझौतों से। शियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, और भरत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके किस्मत पे अपनी भूल गए, अरे 65-70-99 के युद्धों को शायद भूल गए। 65-70-99 मित्रों, आपको पता है 62 में चीन को हमने धूल चटाई थी, 71 में हमने, आपको मालूम होगा 65 के अंदर पाकिस्तान को भी धूल चटाई थी, 71 में पाकिस्तान को फिर धूल चटाई थी, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने यहाँ पर LOC कारगिल के अंदर धूल चटा दी थी नालायकों को। तो 65-70-99 के युद्धों को शायद भूल गए, अरे एटम बम बना करके किस्मत पे अपनी भूल गए, 65-70-99 के युद्धों को शायद भूल गए। अब की बार युद्ध हुआ तो सुन ले, अब की बार युद्ध हुआ तो कान खोल कर सुन ले, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। मित्रों, अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, अब कश्मीर तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान की औकात उसको याद आ जाएगी। और आज भी देख लीजिए, पाकिस्तान में इमरान खान की गद्दी छीन रही है, वहां पर सेना जो है वो सरकार पर राज कर रही है। इतनी बेहतरीन बात है, इतनी नालायक की बनती वाली बात है। तो आप सभी लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, इस वीडियो को उन नालायकों को इतनी ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हर एक नालायक तक ये वीडियो पहुंच जाए कि भारत के जो हिंदू हैं किसी के सामने झुकेंगे नहीं। पुष्पा का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि हिंदू अब साला किसी के सामने झुकेगा नहीं साला, हिंदू किसी के सामने झुकेगा नहीं साला, याद रख लेना। पुष्पराज हिंदू है हमारे लिए। और मोदी सरकार को मैं बारंबार प्रणाम करूंगा, धारा 370 उन्होंने हटाकर वहां पर जम्मू एंड कश्मीर को, वहां पर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जो कार्य वहां पर किया है कश्मीर को पुनः लाने का, तिरंगा जो वहां पर लहरा नहीं सकता था लाल चौक में, आज लाल चौक के अंदर तिरंगा बड़े गर्व से लहराया जा रहा है हर 26 जनवरी 15 अगस्त को, और वहां पर इलेक्शन के माध्यम से लोगों को चुना जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था वहां पर लागू हुई है, वहां पर RTE राइट टू एजुकेशन, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें वहां लागू हो रही है। मित्रों, मैं दिल से सैल्यूट करूंगा मोदी सरकार को, सरकार चाहे किसी की भी हो, काम अगर देश हित में हुआ है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं, आप अधिक से अधिक लोग, चाहे आपके पास पैसा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी प्रकार से मैनेज करके द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएं, देखने अधिक से अधिक जाएं, इस फिल्म को 300, 350, 400 करोड़ तक पहुंचाएं, 500 करोड़ तक पहुंचाएं, ताकि इतिहास याद करे कि हिंदू जब एकजुटता पर आ जाएंगे ना तो इस देश में किसी भी नालायकों का शासन चलने नहीं देंगे। यह देश हिंदुओं का था, हिंदू का है और हिंदुओं का रहेगा। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान की जो परंपरा है हम लाखों वर्षों से सहते आ रहे हैं। हमने हर व्यक्ति को गले से लगाया, हर व्यक्ति को, बाहर से आने वाले व्यक्ति को हमने गले से लगाया और उसी व्यक्ति ने हमारा गला काटा, अब और नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, बिट्टा कराटे नालायक ने सबसे पहले अपने हिंदू दोस्त सतीश को मारी थी गोली, तो कहां गया तुम्हारा सेकुलरिज्म, कहां घुस गया कि सेकुलरिज्म। तो याद रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, एकजुट रहें, समय आ गया है एकजुटता दिखाने का। चलिए बढ़ते हैं, ये फिल्म दिखाकर एकजुटता दिखाइएगा आप। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, संदेश दूंगा लड़कियों को, ये जो लड़कियां फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और पता नहीं यूट्यूब पर कहां कहां ये इन मुसलमान लड़कों के साथ में जो लव जिहाद फैलाने का कार्य कर रही है ना, सबसे पहले इन लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए। ये इस देश को बर्बाद कर रही है, इस देश की संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है मित्रों। और आपको पता होना चाहिए, यही लव जिहाद करने वाले लड़के जो मोमेडन बनते, जो हिंदू का नाम लेकर के लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, वो बाद में जाकर इन लड़कियों की हत्या करते हैं, उनको जमीन के नीचे डाल दिया जाता है, उनके साथ सामूहिक गैंगरेप किया जाता है। लड़कियां सारी सतर्क हो जाएं, जितनी भी लड़कियां हैं सभी सतर्क हो जाएं, किसी लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें, और समाज के तमाम लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग हो, वो सतर्क करें अपने देश की, अपनी समाज की लड़कियों को, कि यदि मुसलमान या किसी अन्य जाति के, या मैं कहूंगा किसी अन्य संप्रदाय के लड़के के साथ इस तरह के लव अफेयर और ये हार्मोनल अफेयर चलाए, क्योंकि लव अव कुछ नहीं होता है, सब हार्मोनल अफेयर है। महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वहां पर उछाल मार रहा है और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन उछाल मार रहा है। क्या होता है लव? लव का मतलब होता है केवल माँ और पिता, माता और पिता से, भाई और बहन से अधिक लव इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता आपको। तो ये लव स्टोरी बंद करें, लव जिहाद बंद करें, और कार्य दिमाग लगाएं अपना पढ़ाई पर। चलिए मित्रों, एक जबरदस्त वीडियो हम जल्दी लेकर के आने वाले कश्मीर फाइल्स पर, बेहतरीन वीडियो लेकर के आएंगे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, 19 जनवरी 1990 को इस देश के अंदर क्या हुआ था, क्या हालात थे और उन हालातों को क्यों कंट्रोल नहीं किया गया, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन विद डायग्राम, विद 3D डायग्राम हम लेकर आएंगे, लाइव क्लास में जोड़ेंगे आपको,
तब तक आप वेट कीजिएगा मित्रों। आज जल्दी वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और अधिक लोगों तक कमेंट करके आप अपना फीडबैक बताएं। और अभी जो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात जो बताई है वो आपको कैसी लगी है नीचे फीडबैक में कमेंट करके बताइएगा। और द कश्मीर फाइल्स जो है उसके ऊपर हम एक जल्दी वीडियो लाने वाले हैं, तो आपको उस वीडियो के अंदर क्या देखना है, क्या आप स्टोरी जानना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उससे रिलेटेड हम चीज़ें लेकर आएंगे। सर जी थैंक्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें। हो और हम हिंदू हैं, हम झुकेगा नहीं साला। वेरी गुड भूपेंद्र, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। आप जैसे बेहतरीन विद्यार्थियों पर हमें गर्व है, गर्व था और गर्व रहेगा। अधिक से अधिक विद्यार्थी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखना और इसको सफल बनाना मित्रों। देश में जो षड्यंत्र चल रहे हैं हिंदुओं के प्रति, उसके बारे में देश के अंदर लोगों को तोड़ने का कार्य जो किया जा रहा है। गीता जी व्यास, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। और मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो हिंदुओं के साथ षड्यंत्र चल रहा है उस पर शीघ्र वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे लाइव क्लास का, कि आखिर किस तरीके का प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, आखिर किस तरीके की चीजें ये भांड बॉलीवुड दिखा रहा है। ये जो नालायक मीडिया जो है ना, मीडिया के बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के अंदर जब भी चुनाव आते हैं, ये नालायक मीडिया जो है वो हिंदुओं को इस तरीके से बांटता है, जनरल के इतने वोट, ओबीसी के इतने वोट, एससी के इतने वोट, एसटी के इतने वोट, ये क्यों किया जाता है मीडिया के द्वारा, मुझे समझ में नहीं आया। ये बांटने का प्रयास है मित्रों। कभी भी कोई भी मीडिया इन सभी को मिलाकर हिंदू के इतने वोट ऐसा क्यों नहीं कहता है, क्योंकि वो आपको बांटना चाहता है मित्रों। जबकि मैं आपको बता दूं, मुस्लिम जनजाति के अंदर भी कई सारी चीजें होती है। शिया होता है मुस्लिमों में, शिया, सुन्नी होता है, पठान होते हैं। अभी पठान नाम की नालायक की फिल्म आ रही है, उस फिल्म पर इतने डिसलाइक करो कि साला थिएटर से उठ करके भाग जाए वो बंदा और अगली बार फिल्म नहीं बनाए। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ, इतना ज़्यादा लोगों को अवेयर करो। शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, पठान होते हैं, और इनमें न जाने कितनी कितनी कौमें होती हैं, लेकिन क्या कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर, कोई भी मीडिया वाला बताता है कि हिंदुस्तान में इतने शिया हैं, इतने सुन्नी हैं, इतने पठान हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं? नहीं बताता है। क्रिश्चियन की अगर मैं बात करता हूँ मित्रों, तो क्रिश्चियन के अंदर भी कैथोलिक होते हैं, है ना, और भी कई सारी चीजें होती क्रिश्चियनों के अंदर। कोई बताता है इतने कैथोलिक, इतने ये, इतने वो? नहीं बताता है। क्यों नहीं बताया जाता है? अन्य जनजातियों का आप, अन्य जातियों का आप नहीं बताते हो, लेकिन हिंदुओं के आप जैसे ही वोट आती है तो जनरल ओबीसी एससी, अरे क्या जनरल ओबीसी एससी एसटी, सभी एक हैं और सभी हिंदू हैं। इनका परसेंटेज कितना है? 90% है, ऐसा बताओ ना आप। आपकी, आपको डर किस बात का लगता है? तो मैं यही यहाँ पर एक चीज आपको कहना चाह रहा हूँ, अधिक से अधिक हिंदुओं को एकजुट करें, सतर्क करें। समय मित्रों बहुत कठिन चल रहा है इस समय, हमें हमारे घर के अंदर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बंगाल के अंदर अभी बंद करके, कमरे के अंदर बंद करके एक जनजाति विशेष के लोगों को जलाकर मार डाला गया। तो आखिर देश में चल क्या रहा है, इस विषय पर हम जल्द चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है जरूर मुझे बताइएगा, और इस बात पर हम और आगे क्लासेस लेकर के आएंगे। वेरी नाइस सर जी, जितेंद्र सावड़ा, पंकज वेरी नाइस सर जी, सुरेश, प्रकाश जी, मेहता नाइस, मनीषा नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए ये चिंतन का विषय मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में और भी अगर आपके रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर कोई बातें आ रही हो तो नीचे शेयर कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और सब्सक्राइब करें। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।